वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए हम लोग आज नया टॉपिक पढ़ेंगे, हिडन अलीगा दर समीकरण। हिडन लिखेगा दर समीकरण, या इसे हम दर नियम भी कहेंगे, या दर नियम। रेट लॉ और दर नियम, रेट इक्वेशन। रेट लॉ, दर नियम, रेट इक्वेशन, दर समीकरण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो दर नियम क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि जो दर नियम होता है एक प्रयोगात्मक वैल्यू, हम लोग कहते हैं कि प्रयोगात्मक एक तथ्य है, और इस दर नियम को हम एक प्रयोग की सहायता से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें लिखिएगा कि दर नियम प्रयोगात्मक तथ्यों पर आधारित है। दर नियम प्रयोगात्मक तथ्यों पर आधारित है। अब ये नियम क्या कहता है, इसको समझिए। लिखिएगा आगे, इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया की दर, इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया की दर अब जो मैं पॉइंट लिखूंगा वेरी इंपॉर्टेंट, इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, या हम कहेंगे उस पर निर्भर करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो ये है अभिकारक। यहां पे इस शब्द को अंडरलाइन करिएगा। दर समीकरण, दर नियम में हम लोग देखते हैं कि ये इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो यहां पे हमने ये एक सी डिफिनेशन पढ़ी। अब यहां पे आप देखिए, अगर हमारे पास मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन है, आप यहां पे देखिए, मैंने यहां पे उत्पाद लिखा है, हमें उत्पाद से कोई मतलब नहीं है। देखो यहां से दर समीकरण या दर नियम की अगर हम बात करें तो हमें केवल और केवल अभिकारक से मतलब होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीओडी नहीं लिखा, केवल उत्पाद लिखकर छोड़ दिया। अब देखिएगा, अगर हम दर नियम की बात करें तो लिख सकते हैं दर नियमानुसार जो मैं कहूंगा कि जो अभिक्रिया की हम कहेंगे अभिक्रिया की जो दर होती है आर, अभिक्रिया की दर वो समानुपाती होती है अभिकारक की सांद्रता के। तो अभिकारक की सांद्रता यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर अभिकारक यहाँ पे कौन कौन है, ए और बी, तो यहां लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती, और यहाँ पे दो अभिकारक हैं तो इसके लिए हम दो लोगों को यहाँ पे लिखेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई का चिन्ह रहेगा। और यहाँ पे हम एक साइन लगाएंगे अल्फा और बीटा। अभी क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं। आप यहां से क्लियर देख सकते हैं कि जो दर है आर वो समानुपाती है अभिकारक की सांद्रता के, तो हमें उत्पाद से यहां कोई मतलब नहीं होगा। आपको मालूम है जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा जिसको हम के से लिखेंगे। आर बराबर के, ए की सांद्रता की पावर अल्फा, बी की सांद्रता की पावर बीटा, ये हमारा दर समीकरण निकल के आ गया। यहां पे चीजों को जानते हैं, सर ये आर क्या है, तो आर आपका है अभिक्रिया की दर, के क्या है, एक नियतांक है जिसे हम कहते हैं दर नियतांक या वेग नियतांक, और जो ए है यहां पे, ये है ए की सांद्रता, ये है बी की सांद्रता, और अल्फा और बीटा क्या है। अल्फा को हम कहेंगे सांद्रता ए के सापेक्ष, सांद्रता ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, और बीटा क्या है, सांद्रता बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। तो ये बात इतनी याद जल्दी से नोट करिए, फिर हम सारे सिंबल्स को यहां पे दिखाएंगे। यहां हम हर चीज को लिखेंगे बढ़िया से।
आप यहां साइड में लिख दीजिएगा, जहां ये जो के है इसे हम कहते हैं दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक, दर को हम वेग भी कहते हैं, वेग स्थिरांक। यहां पे जो अल्फा है, अल्फा, अल्फा को हम कहेंगे ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोट कहिए, चाहे आप ए की स्थिरता के सापेक्ष कहिए, चाहे आप ए के अभिकारक के सापेक्ष कहिए, तो जो भी चीज है यहां ए से हम यहां रिलेट करेंगे। तो यहां लिखूंगा मैं ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोट, अभिक्रिया की कोट। यहां पे जो बीटा है ये है, चाहे आप बोले अभिकारक बी के सापेक्ष या बी के सापेक्ष आप बोले, तो बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोट, अभिक्रिया की कोट। अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा कर दें तो ये भी कोटि है, ये भी कोटि है, ये ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है, ये बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है, दोनों को जब जोड़ देंगे तो आ जाएगी अभिक्रिया की संपूर्ण कोटि, अभिक्रिया, अभिक्रिया की संपूर्ण कोटि, संपूर्ण कोटि, अभिक्रिया की संपूर्ण कोटि ए प्लस बी। यहां पर एक चीज और हम ध्यान देंगे, अल्फा प्लस बीटा को हम लोग स्मॉल एन से भी लिखेंगे, और जहां स्मॉल एन होगा इसका मतलब वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या दिखाएगा, संपूर्ण कोटि, किसी भी अभिक्रिया की संपूर्ण कोटि। इतनी बात आपने यहां पर करी। तो अगर हम सीखें यहां पे कि दर नियम क्या होता है, तो आप एक लाइन में लिखेंगे कि जो पहली बात, जो दर नियम होता है ये प्रयोगात्मक तथ्यों पर आधारित होता है, और इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया की जो दर होगी अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता के क्या होगी, समानुपाती होती है। तो अगर हमारे पास कोई एक अभिक्रिया इस प्रकार से है, तो यहाँ पे जो अभिकारक है वो ए और बी है, यहाँ पे जो स्मॉल ए स्मॉल बी है आप जानते हैं इसके मोलर गुणांक होते हैं, तो दर नियम के अनुसार हम कहेंगे कि दर नियम अनुसार, जो दर का नियम है इसके अनुसार जो अभिक्रिया की दर होगी आर, वो समानुपाती होगी ए की सांद्रता की, समानुपाती होगी बी की सांद्रता के। फिर हम इसके पावर में क्या कर देंगे, अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, बीटा क्या है, बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। यहाँ पे जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा के, जिसे कहते हैं दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक। अब मैं इस पॉइंट को मिटा रहा हूं। अब हम यहां पे एक नोट सीखेंगे, सबसे पहले हमारा जो दर नियम है मैं इसको लिखा रहने दूंगा। देखिए नोट पॉइंट में हम लोग ये लिखने वाले हैं, पहला पॉइंट ये होगा, ये जो अल्फा और बीटा का मान है इसके बारे में तो लिखेंगे, अल्फा एवं बीटा के मान, के मान। अभी हमने जो रिएक्शन लिखा था वो कुछ टाइप का था, यहां पे उत्पाद बन रहा था। आप यहां देखें अल्फा एवं बीटा के मान ए और बी, तो लिखेंगे क्रमशः स्मॉल ए व स्मॉल बी, या हम कहें कि अल्फा बीटा के मान मोलर गुणांक, ये जो मोलर गुणांक है ना इसके बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। अल्फा व बीटा जो, इसे हम क्या कहेंगे, मोलर गुणांक, मोलर गुणांक के बराबर, के बराबर हो भी सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी, और नहीं भी। कब होंगे सर और कब नहीं होंगे, आपका एक क्वेश्चन मन में उठा होगा, तो मैं इसको आगे पढ़ाने वाला हूं, फिर भी मैं आपको यहां बता दूंगा। अगर आपकी क्रिया सरल है, अब एक क्वेश्चन यहां पे हुआ सरल क्रिया कौन सी होगी, अगर आपकी क्रिया सरल है तो ये बराबर हो जाएंगे, और यदि आपकी क्रिया जटिल है तो ये बराबर नहीं होंगे। मैं एक लाइन में बताऊंगा, बाकी इसको हम अलग हेडिंग में पढ़ेंगे। जो सरल क्रिया होती है वो एक ही पदों में पूर्ण हो जाती है, और जो जटिल क्रिया होती है उनमें दो या दो से अधिक पदों की जरूरत होती है, तब वो जाके संपन्न होंगी। तो यहाँ पे हमने एक सीखा पहला पॉइंट में कि अल्फा एंड बीटा के जो मान होते हैं
वो क्रमशः मोलर गुणांकों के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। जो अल्फा होगा वो ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, जो बीटा होगा वो बी के स्मॉल बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। कब बराबर होगा? जब क्रिया सरल होगी, और कब बराबर नहीं होगा? जब क्रिया जटिल होगी। इतनी बात यहाँ पे आपने सीखी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल एक कैरेक्टर है, वो है के, उसके बारे में। तो आप हेडिंग एक और पॉइंट आप यहाँ लिख लीजिए नोट में, दूसरा पॉइंट एक मिनट लिखिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं के बारे में। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो अल्फा और बीटा के मान है, अल्फा व बीटा के सही मान केवल प्रयोगात्मक तथ्यों की सहायता से या अभिक्रिया की क्रियाविधि की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा, अल्फा और बीटा के जो मान हैं, ये हम या तो प्रयोगात्मक तथ्यों की सहायता से और या फिर आप क्रियाविधि की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और ये दोनों मेथड हमारा जो अगला लेक्चर होगा, पहले मैं आपको इस पे सवाल कराऊंगा प्रयोगात्मक तथ्यों पर आधारित जो सवाल होंगे अल्फा और बीटा को निकालने के लिए, और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके आगे अब क्रियाविधि की सहायता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और फिर और हम ये भी जानते हैं अल्फा बीटा का मान यदि मुझे मिल जाए, दोनों को मैं अगर जोड़ देता हूं तो वो एन आ जाता है, और एन क्या है? संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि। बार बार आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कोटि क्या होती है, तो हमने बता दिया कि कोटि यही है अल्फा और बीटा। इसको परिभाषित भी मैं करूंगा, पहले हम समझते हैं एक स्पेशल कैरेक्टर के बारे में, एक विशेष व्यक्ति के बारे में, और वो कौन है के। इतनी बात आप कर लीजिए, के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिएगा दर स्थिरांक, हेडिंग डाल दीजिएगा दर स्थिरांक। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये दर स्थिरांक, ये क्या होता है, इसकी परिभाषा भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो दर स्थिरांक की परिभाषा हम लोग अभी बना लेंगे, उसके लिए पहले मुझे लिखना होगा दर समीकरण। अब दर समीकरण को आप निम्न से लिखिएगा, के इंटू ए की स्थिरांकता की पावर अल्फा इंटू बी की स्थिरांकता की पावर बीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, आरण दीजिए। तो अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एक काम करें, यदि हम यहाँ पे मान लें, माना जो ए की स्थिरांकता है और जो बी की स्थिरांकता है वो बराबर, और मैंने कितना मान लिया, इकाई मान लिया, या मैं कहूं एकांक मान लिया। जब ऐसा मैं मान लूंगा तो R बराबर हो जाएगा K, क्योंकि जब 1 की पावर अल्फा 1 ही रहेगा और बीटा की पावर सॉरी 1 की पावर बीटा 1 ही आएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं, तो ये आपको मिलेगा R बराबर K, ये आपको मिल जाएगा। तो यहां पे आप देखें जो आपका दर स्थिरांक है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो ये अभिक्रिया की दर, ये क्या है, ये आर क्या है, आर है अभिक्रिया की दर। कि क्या आ गया, बराबर आ गया। तो जो आर है ये अभिक्रिया की दर है, और ये किसके बराबर है, के बराबर है, और आपका के कौन है, दर स्थिरांक। अब इसकी परिभाषा अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि एकांक सांद्रता पर मैंने कितनी ली, एकांक सांद्रता पर जो अभिक्रिया की दर होगी उसे कहेंगे दर स्थिरांक, या दर हम कहेंगे वेग स्थिरांक, या दर स्थिरांक कहें या वेग स्थिरांक कहें। तो आप यहां देखें एक विशेष स्थिति ऐसी है, ये स्थिति कौन सी है, विशेष स्थिति है, इसीलिए हम इस दर स्थिरांक को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट दर स्थिरांक, या हम ऐसा कहें विशिष्ट अभिक्रिया की दर, इसको हम ऐसा कहेंगे विशिष्ट अभिक्रिया की दर। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि विशेष
कंडीशन पर जो आपका दर स्थिरांक है वो अभिक्रिया की दर के बराबर है। तो मैं कहूंगा कि जो दर स्थिरांक है वो अभिक्रिया की दर के बिल्कुल बराबर है। कब? जब हमने सांता को एक लिया, इकाई लिया। तो परिभाषा क्या बन गई कि जो अभी एकांक एकांक सांद्रता पर जो अभिक्रिया की दर होगी वो किसके बराबर होगी? दर स्थिरांक के बराबर। तो ये हमारी परिभाषा, और हम यहां लिखेंगे पॉइंट में कि दर स्थिरांक को विशिष्ट अभिक्रिया की दर भी कहते हैं। तो इतनी बात आप जल्दी से करिए। परिभाषा अगर आप ना लिख पाए, मैं एक बार लिख दे रहा हूं, तो यहां पे परिभाषा मैं लिख दे रहा हूं कि जहां में पूछा जा सकता है। परिभाषा आप बना लीजिए, मैं जो आपको बता रहा हूं यही बना के मैं परिभाषा यहां लिखूंगा। किताबी परिभाषा जरूरी नहीं कि आप वही दें। परिभाषा में आप क्या लिखेंगे? एकांक एकांक सांद्रता पर, एकांक सांद्रता पर अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर को क्या कहते हैं? दर स्थिरांक कहते हैं। दर स्थिरांक कहते हैं। ओके, तो यहां पे विशिष्ट शब्द यहां पे उपयोग हुआ है, और विशिष्ट शब्द का मतलब यहां पे किस लिए है? क्योंकि यहां पे विशेष कंडीशन ली गई है, इसलिए हम दर स्थिरांक को क्या कहते हैं? विशिष्ट अभिक्रिया की दर भी कहते हैं। यहां लिख देंगे विशिष्ट की दर कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो पॉइंट आप देखिएगा यहां पे कि जो आपका दर स्थिरांक है, यहां मैं लिखूंगा इसको, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखकर आप इसको लिखिएगा कि अभिक्रिया की, हम कहेंगे अभिक्रिया के दर स्थिरांक, अभिक्रिया की दर स्थिरांक ऐसा लिखिए, अभिक्रिया की जो दर स्थिरांक है केवल केवल ताप ताप व उत्प्रेरक, ताप व उत्प्रेरक पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो अब क्रिया की दर होगी, हम कहेंगे उसका जो मान है वो केवल ताप पर एवं उत्प्रेरक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। तो केवल ताप व उत्प्रेरक पर निर्भर करेगा। तो अगर यहां भी आप उत्प्रेरक की उपस्थिति लिख सकते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। तो ये बात बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, और चाहे वो कंपटीशन भी हो, आपको ये पॉइंट पे सवाल मिलता ही रहता है। तो इसको आप अंडरलाइन करके रखिएगा और याद रखिएगा। अगर जो दर स्थिरांक आपका है, अगर आपका आपकी जो क्रिया है वो वही है, तो हम कहेंगे कि जो दर स्थिरांक है ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक ताप हुआ उत्प्रेरक नहीं बदलेंगे। ओके, तो ताप व उत्प्रेरक जब बदलेंगे तो हम कहेंगे तभी दर स्थिरांक बदल सकता है, अन्यथा नहीं। इसमें भी हम लोग सवाल आगे करेंगे। इतनी बात जल्दी से आप करिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए यहीं पे मैं क्या सिखाऊंगा आपको, यहीं पे देखिए आपका जो मैं कहूं कि जो दर समीकरण है, आपका जो दर समीकरण है R बराबर के ए की सांता की पावर अल्फा, बी की सांता की पावर बीटा। अब इसी पे सारी बात चलेगी अगले दो लेक्चर तक। तो आप यहां देखें ये जो k है, अगर k का मान बढ़ता है तो r का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर हम k का मान बढ़ाएं, क्योंकि k गुणा में है ना, अभिकारक जो a की स्थिरांकता है और b की स्थिरांकता है, ये तो मान लीजिए वो कांस्टेंट है, तो अगर k को हम बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से r का मान बढ़ेगा। तो यहां पे मैं एक चीज लिखूंगा स्टार करके कि जिस अभिक्रिया के लिए, जिस अभिक्रिया के लिए, जिस अभिक्रिया के लिए के का मान जितना अधिक होगा, के का मान जितना अधिक होगा अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी। ये पॉइंट आप याद, तो जिस अभिक्रिया के लिए k का मान जितना अधिक होगा, हम कहेंगे अभिक्रिया की दर भी उतनी ही अधिक होगी।
इतना पॉइंट जल्दी से आप करिए। अब जो हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो आपका है मात्रक, की का मात्रक, यानी है दर स्थिरांक का मात्रक। दर स्थिरांक की मात्रक से ही हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, उसको देखिएगा जल्दी से। यहां पे आप एक ही लिखेंगे, दर स्थिरांक का मात्रक। आपको बिल्कुल रटना नहीं है, बहुत ही आसान है, मैं आपको सिखा रहा हूं। दर स्थिरांक का मात्रक आप खुद से ही ड्राइव कर सकते हैं और इसमें कोई भी कठिन बात नहीं। आप देखिएगा, आपका जो दर समीकरण है वो यही है ना, आपका जो दर समीकरण है वो यही है। तो अगर हम यहां से k का मान निकालें, यहां से इस दर समीकरण में से k का मान निकालिए, तो k बराबर क्या होगा, r, r क्या है, क्रिया की दर, बटे a की स्थिरांकता की पावर अल्फा, b की स्थिरांकता की पावर बीटा। ओके, तो ये आपने k का मान निकाला। तो अगर आपको k का मात्रक चाहिए, k का मात्रक चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, r का मात्रक, r क्या है, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर का मात्रक लिखना पड़ेगा, और बटे ये क्या है, a, a की स्थिरांकता है ना, a की स्थिरांकता, और स्थिरांकता का मात्रक आप लिखेंगे, इसका मतलब आप लिखेंगे सांद्रता का मात्रक, सांद्रता का मात्रक, और इसके पूरे की पावर क्या होगी, अल्फा, यहाँ पे अल्फा है, और ये बी क्या है, ये भी तो सांद्रता ही है, तो चाहे वो ए हो या बी हो, बात करेंगे मात्रक की तो सांद्रता का मात्रक तो ही आएगा, चाहे ए के लिए बात करें या बी के लिए। तो यहां भी लिखेंगे सांद्रता का मात्रक, और इसकी पावर क्या लगी हुई है, इसकी पावर लगी हुई है बीटा, इसकी पावर क्या लगी हुई है बीटा, हमने बीटा लिख दिया यहाँ पे। तो अगर मुझे इस, पहले तो मुझे यहाँ पे के बराबर लिखना पड़ेगा, तो के बराबर आर बटे ए की स्थिरांकता की पावर अल्फा, बी की स्थिरांकता की पावर बीटा। अब यहां से अगर मुझे के का मात्रक चाहिए, तो आर का मात्रक मुझे लिखना पड़ेगा, बटे बटे इस स्थिरांकता का मात्रक इसकी पावर अल्फा, इस स्थिरांकता का मात्रक इसकी पावर बीटा। और ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बात की थी कि जो अभिक्रिया की दर का मात्रक होता है, आप कमेंट जरूर करिए अभिक्रिया का दर का मात्रक क्या होगा, अपने मन से आप क्वेश्चन के लिए लिख लीजिए अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या होगा। ओके, तो आप ये जानते हैं, अगर मुझे दर स्थिरांक का मात्रक चाहिए तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा अभिक्रिया की दर का मात्रक, और वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बटे सांद्रता का मात्रक। मैंने आपको कई बार बताया है मोल बटे लीटर है ना, मोल लीटर इनवर्स। अब बताओ पूरे की पावर क्या चल रही है, अल्फा, पूरे की पावर अल्फा, इस सांद्रता का मात्रक, सांद्रता का मात्रक वही होगा मोल लीटर इनवर्स पूरे की पावर बीटा। अब आप एक चीज जानते हैं, अगर मैं आपको यहां बताऊं तो आप ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी x की पावर m है इंटू x की पावर n है तो गुणा में होता है x की पावर m प्लस n। तो मैं यहां लिख रहा हूं x की पावर m प्लस n। तो आप यहां देखें कि अगर ये मोल प्रति लीटर, इसको x मान लीजिए, ये भी x मान लीजिए, क्योंकि दोनों बराबर है ना, x की पावर अल्फा x की पावर बीटा होगा x की पावर अल्फा प्लस बीटा। तो ये मैं अगले स्टेप में लिखूंगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बटे, ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर अल्फा प्लस बीटा। ध्यान दीजिए ये दोनों बराबर है ना, तो ये घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब चूंकि मैं जानता हूं कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो होता है n, n को क्या कहते हैं, संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि, संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि। अब ध्यान दीजिए इसको मैं n लिखूंगा, तो अगले स्टेप में मैं लिखूंगा मोल मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बटे, ये हो जाएगा, अब देखो अल्फा प्लस बीटा को मैं n लिखूंगा, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स पूरे की पावर n, पूरे की पावर n। इधर मैं मिटा रहा हूं इसको, अब देखिए यहां पे मैं करूंगा,
देखो यहाँ पे मोल लेट इनवर्स सेक इनवर्स इसी पावर क्या है एन। अगले स्टेप में मैं लिखूंगा मोल मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स पूरे का बटा। देखो यहां से मोल लीटर मोल इंटू है बीच में मोल इंटू लीटर इनवर्स की पावर एन, तो इसकी पावर एन मैं कर दूंगा। फिर मैं इसको लिख सकता हूं मोल की पावर एन इंटू लीटर की पावर, ये पहले से यहां माइनस होने यहां गुणा हो जाता है ना, एक नियम आप जानते हैं एक्स की पावर एम पूरे की पावर अगर एन है तो होता है एक्स की पावर एम इंटू एन। यहां वन था तो इसलिए वन ही रह गया, यहां माइनस होने से यहां पर हो जाएगा माइनस एन, वन का गुणा एन में होगा तो क्या आएगा माइनस एन। अब आप यहां देखिए ये जो मोल की पावर एन है जब ये ऊपर जाएगा तो जो घात होती है ना उसकी उसका जो चिन्ह होता है बदल जाता है। तो यहाँ पे मोल पहले मैं लिख रहा हूं मोल फिर इंटू लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो इंटू अब मैं सबको ऊपर ले जाऊंगा, बताओ मोल की पावर एन है जब ये ऊपर जाएगा अंश में ये हो जाएगा मोल की पावर माइनस एन, और जब ये माइनस एन ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे इसको लीटर की पावर प्लस एन। अब देखिए मोल और मोल को एक साथ ले लीजिए, लीटर लीटर को एक साथ ले लीजिए, तो मोल मोल को एक साथ लूंगा, तो एक चीज बताओ हमें मोल की पावर यहां कितनी है वन और यहां कितनी है माइनस एन, तो हम जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो मोल की पावर हो जाएगा जुड़ जाएगा वन प्लस माइनस एन, तो वन और माइनस एन दोनों जुड़ जाएगा, फिर लीटर लीटर की पावर ये भी जुड़ जाएगा, तो लीटर की पावर एन माइनस वन, जब आप जोड़ेंगे माइनस वन प्लस एन, और फिर क्या बचा सेकेंड इनवर्स, तो बस के का मात्रक आ ही गया है, ये आप लिख सकते हैं मोल मोल की पावर वन माइनस एन, यहाँ प्लस माइनस से गुणा होगा माइनस मोल की पावर वन माइनस एन फिर इंटू लीटर की पावर, इसको उल्टा लिख सकते हैं ना आप एन माइनस वन है ना, लिख सकते हैं एन माइनस वन और सेकेंड की पावर माइनस वन। ठीक है, तो आप यहां ये जो आपने लिख दिया ये आपका है दर स्थिरांक का मात्रक, दर स्थिरांक का मात्रक, तो ये आपका आ गया दर स्थिरांक का मात्रक। अब इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं ध्यान दीजिए, ये जो दर स्थिरांक का मात्रक है ये मेरा आ गया, तो दर स्थिरांक का मात्रक आपको मिल गया, दर स्थिरांक का मात्रक आपको क्या मिला मोल, मेरे साथ साथ बोलते रहिए मोल की पावर वन माइनस एन लीटर की पावर एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स। अब ध्यान दीजिए ये आपका रिजल्ट, अगर मैं यहां से एन बराबर वन करता हूं तो मुझे क्या होगा, तो इस दर स्थिरांक पर दर स्थिरांक की मात्रक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एन बराबर पहले मैं यहां पे कर रहा हूं, चलो यहां पे मैं आपको सिखा रहा हूं, तो आप यहां देखिएगा अगर मैं यहां से क्या करूं ये जो दर दर स्थिरांक का मात्रक निकल के आया है इसमें मैं पुट करूंगा पहले n बराबर जीरो, n बराबर जीरो n क्या है संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि, और n बराबर जीरो का मतलब है कि अभिक्रिया की कोटि कितनी आएगी जीरो, n बराबर जीरो में रखूंगा, तो अगर यहां पे रखूंगा तो दर स्थिरांक का मात्रक क्या आने वाला जब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए दर स्थिरांक का मात्रक, अब देखो जहां जहां यन है वहां पे आपको जीरो रखना है, तो आपको मिलेगा मोल की पावर वन माइनस जीरो लीटर की पावर जीरो माइनस वन सेकेंड की पावर माइनस वन। अब आपको यहां से मिल जाएगा मोल इंटू लीटर इनवर्स, क्योंकि जीरो में से माइनस वन जाएगा तो माइनस वन सेकेंड इनवर्स। आप यहां देख सकते हैं कि हमारा जो n बराबर जीरो का मतलब जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो कितनी होगी शून्य कोटि, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो दर स्थिरांक का मात्रक होगा वो ये होगा। इसी प्रकार अगर हम n बराबर वन कर दें तो मुझे दर स्थिरांक का मात्रक क्या मिलने वाला है, तो देखो यहां से मोल मोल, अब बताओ यहां से n का n के स्थान पर आपको क्या करना है वन करना, तो वन माइनस वन लीटर की पावर वन माइनस वन और सेकेंड इनवर्स, कुछ करें आपको बस केवल इतना करना है जहां यन है वहां वन कर देना, तो मोल की पावर जीरो लीटर की पावर जीरो सेकेंड की पावर माइनस वन,
यहाँ पे जीरो मत करना, किसी की पावर अगर जीरो है तो हम कहेंगे उसका मान कितना आएगा, वन आएगा। अगर किसी की भी पावर जीरो है तो उसका मान कितना आएगा, वन आएगा। तो ये आ गया वन, ये आ गया वन, ये आ गया सेकेंड इनवर्स। तो आपको मिला सेकेंड इनवर्स। तो आपने देखा कि जो प्रथम कोटि एन बराबर वन का मतलब कोटि कितनी होगी, एक होगी। तो प्रथम कोटि के लिए जो दर स्थिरांक का मात्रक होगा, दर स्थिरांक का मात्रक वो आएगा सेकेंड इनवर्स। तो कितनी आसान बात है। तो मैंने आपको यहाँ पे दर स्थिरांक पढ़ा दिया है ना। तो एक बार अगर हम रिकैप करें आपको, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, सबसे पहले मैंने आपको दर समीकरण के बारे में बताया। तो जो आपका दर समीकरण है वो दर समीकरण आपका क्या आएगा, तो मैंने कहा आर बराबर के ए की स्थिरांक की पावर अल्फा, बी की स्थिरांक की पावर बीटा। अब यहाँ पे जो अल्फा है वो है ए के सापेक्ष चक्रिया की कोटि, जो बीटा है वो है बी के सापेक्ष चक्रिया की कोटि, और अगर हम अल्फा प्लस बीटा को जोड़ देंगे तो आएगा यन, इसको मैंने यन मान लिया, और यन को मैं लिखूंगा संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि। फिर मैंने आपको दर स्थिरांक के बारे में बताया, उसकी परिभाषा मैंने दी, और फिर दर स्थिरांक का मात्रक। ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मैंने की। अब आपको बताना है मुझे क्रिया की कोटि क्या होती है, तो उसको भी एक मिनट में हम लोग देख लेते हैं। अब क्रिया की कोटि, तो मैं बोल रहा हूं आप लोग इसको लिख सकते हैं, तो अगर मैं इसकी बात करूं अभिक्रिया की कोटि की, तो इसकी परिभाषा मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। आपका यहां पे हेडिंग होगा, पहले तो हम दर समीकरण की बात करेंगे, आर बराबर के ए की स्थिरांक की पावर अल्फा, बी की स्थिरांक की पावर बीटा। अब यहाँ पे ये क्या है आपकी, आपका दर समीकरण। अब हम कोटि की परिभाषा देने जा रहे हैं, कोटि क्या होती है। तो आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे अभिक्रिया की दर समीकरण में, अभिक्रिया की दर समीकरण में, दर समीकरण में, अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता, प्रकट प्रकट सांद्रता पद की घात उस अभिकारक के सापेक्ष, उस अभिकारक के सापेक्ष, उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और फिर यहां से जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि जो क्रिया की कोटि होगी, तो यहां पे एक लाइन और लिखेंगे, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि हम कहेंगे शून्य हो सकती है, शून्य हो सकती है, और आगे आप लिखेंगे कोटि जो होगी भिन्नात्मक भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है। तो शून्य, भिन्नात्मक और पूर्णांक, पूर्णांक संख्या जानते हैं ना, माइनस भी और प्लस भी हो सकती है। तो इतनी सी इसकी डिफिनेशन है, और ये बहुत ही आसान है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जरा ध्यान दीजिए। अल्फा को आप क्या कहेंगे, तो आप अगर यहां देखें तो अल्फा को आप क्या कहेंगे, ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, और बीटा को यहां पे बीटा को क्या कहेंगे, बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। वही बात यहां पे कर रहा है कि अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की जो घात होगी उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। ठीक है, ओके। फिर हम, और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, अभिक्रिया की कोटि शून्य, भिन्नात्मक व पूर्णांक हो सकती है। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, ओके ओके, थैंक यू।